गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है दूसरा दिन, यहाँ पे कल रात सोकर उठे हम। तो ये है नेक्स्ट डे की सुबह एंड नेचर के बीच जगे हैं हम। मम्मी भी यहाँ हैं, बगीचा देखने जा रहे हैं हम। आंखें देखो कैसी सूज गई है। रात को 3 बजे सोए, 3-4 बजे, मैं तो 4-4:30 बजे सही, और मैं सुबह 6 बजे उठ गई, 5:30 बजे। हाँ, नेचर में ना मम्मी बहुत जल्दी उठ जाती है। पेड़ वगैरह है, और पान जो खाते हैं ना बीटल नट्स, वो तो यहाँ पे ऐसे ही है, सारे पेड़ों पे उगे हुए। मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम जा रहे हैं मौसम्बी के पेड़ की तरफ, जो कि संतरा होता है ना, उसका भी पेड़ है यहाँ पे। ये पूरा उनका बैकयार्ड है यहाँ पे। एक ये बगीचे में ये घर। हाँ, और ये देखिए, ये सारा बर्तन साफ करने का एरिया है, एंड बहुत बड़ा बगीचा है। देखो, सुपारी का बगीचा है, सुपारी बीटल नट्स बोलते हैं ना, तो उसका उनका बगीचा है। एंड वहाँ पे आम का भी कहीं है सुना था मैंने, बट देखा नहीं। बट यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, सांप भी है यहाँ पे। वो बोले ना बहुत सारे सांप है, मेरे भैया ने खुद देखा है सांप, एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ने 2 सांप देख लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। ये दिखता है क्या? अच्छा, तो यहाँ है मौसम्बी का पेड़। मैं आपको धीरे आप मत बताओ, ऐसी चीज़ों में मुझे जाकर एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जैसे मेरे पापा के गांव में भी ऐसे ही, मैं अंदर झुक झुक के कहीं कहीं तो पहुंच जाती हूँ। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे संतरे लगे हुए, कुछ मौसम्बी, सॉरी। ये देखिए, ये देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं। तोड़ू मम्मी? उधर से तोड़ना, उधर पके तोड़ना। ओके, ये धीरे से जाऊँगी क्योंकि बहुत स्लिपरी है यहाँ पे, मिट्टी है। ये देखिए, पूरा मिट्टी मिट्टी है। तो अभी मैं तोड़ूंगी। वाह, ये देखिए, वाह, पहली बार मैं पेड़ में से इसको छू रही हूँ डायरेक्ट। ये भी है मम्मी, कुछ कुछ ये भी है, नरम है, लूँ? ये देखिए, मेरा फर्स्ट पिक ऑफ द डे, आई लव, वाह, मस्त मजा। ये देखिए, ये लिया मैंने, मैं ऊपर है, वो झुका के ले सकते हैं, लूँ? लूँ? कैमरा को हम देख लेंगे पहले। इसको मैं, ये देखिए, पॉकेट में रख लिया मैंने। टास्क आया। चार में मैं आ रही हूँ, आ जाओ, स्लो स्लो, धीरे से। ये देखिए, पहली बार मैंने मतलब फ्रेश बगीचे से, देखिए मौसम भी तोड़े, और आज का बहुत खुशी हो रही आज है। का टास्क, अब मैं पूरे बगीचे में घूम के ढूंढूंगी कि मेरे लायक और क्या क्या चीजें तोड़ने के लिए। एंड ये कहेगा नींबू का पेड़। नहीं नहीं नहीं, नींबू का नहीं, ये है मम्मी। नहीं नहीं, नींबू नहीं, नींबू हुए, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज है, गिरा ना वही, ये ऑरेंज है। ये ऑरेंज, ऑरेंज और मौसम्बी में क्या डिफरेंस है? ऑरेंज संतरा बोलते। ये देखो, ये ऑरेंज अपने आप गिरा था, बहुत गिरे थे बोलते परसों। वाओ, आधा डजन आ गया हमें। वो भी ताजा पेड़ से निकाला हुआ। देखो कितने सारे मिल गए, और है पेड़ में, बट हरे हरे हैं वो। हाँ, अभी अभी पके नहीं, अभी और राइप नहीं हुए। हाँ, का टास्क एकदम बढ़िया हुआ, जो कि ये देखिए इतना सारा मैंने चुन लिया। मम्मी देख के आओ। अच्छा चलो, मजा आया, मजा आया। आई, मेरा गिरा एक, मैं पकड़ूं, चलो। वाओ, सुपर्ब। और अभी वहाँ पे पुदीना का पेड़, आपको पान का पेड़ दिखाती हूँ, बीटल नट्स का होता है ना, वो दिखाती हूँ। हाँ, और ब्लैक पेपर भी है क्या? मैं नहीं है, ब्लैक पेपर नहीं, मोगरे का वगैरह, फूलों के वगैरह है। लेट्स सी, चलिए दिखाती हूँ, और जो भी दिखता है मुझे नया नया टाइप्स ना, वो भी दिखाती हूँ। पुदीना का है, मम्मी के घर में। ये देखो पुदीना, ये देखो पुदीना, ऐसे रास्ते पे उगा। हाँ, ये सब था, है सब चला। ये देखिए, सारा रास्ते पे यहाँ पे पुदीना उगा। लेट मी शो यू, उनको दिखाती। ये देखिए, पूरा ऐसे यहाँ पे ना पूरा फैला पड़ा है पुदीना, ये सारा पुदीना है। उधर देख, मैंने कल रात को आयशा से पूछा लेमन टी के लिए, फ्रेश हैंड पिक पुदीना है क्या? वो बोली पीछे है कहीं। हम उस बेंगलोर जाने वाले हैं, तो ये भैया के घर जाएंगे, करी पत्ते का जो करी लीव्स का है, और ये पांडान लीव्स का है, एंड ये पुदीना की, ये बेंगलोर जाने वाले हैं ये पेड़। कार में, वेरी गुड, लेट्स सी, होपफुली इस बार वो उग जाए वहाँ पे। तो ये यहाँ पे कबाब ऑलरेडी आंटी ने ना कला के रख दिया है मैरिनेट करके, तो इसको अभी तलते वक्त दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट हो चुका है। तो हमारे भाभी की मम्मी बना रहे हैं, कबाब एक्सपर्ट।
जो आप लोग ये कबाब लास्ट टाइम भी देखे थे फिजू के बर्थडे में, ये वही कबाब हैं, फिर से रिपीट मोड पे आ गए क्योंकि हमको बहुत पसंद आए तो ये बना रहे हैं अभी। हाँ, ये ऑन रिक्वेस्ट बनाई गई है, ऑन डिमांड एक्चुअली। हाँ, ये देखो, ओ हो, तैयार भी हो गए ये लो, गर्मा गर्म है और ये इनके फेवरेट है ना। एक्साइटमेंट, बैंगलोर में रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, है ना। और यहाँ पे बन रही है चपाती। ये देखिए, ये हमारे हेल्पर हैं, वो चपाती बना रहे हैं। तो अभी चपाती और चिकन, चिकन का है जी, चिकन ये आपको है। तो ये चिकन बना है करी, आज चम्मच से कर जी। ये देखिए, ये बना है चिकन करी और हरी मिर्च भी ऊपर से डली है गार्निश में। ये बहुत यम्मी बनता है इनका ड्राई चिकन करी, ये भैया का फेवरेट है ना। जमाई स्पेशल है, जमाई स्पेशल बाय सासू मां के। तो अभी खाएंगे हम अच्छे से, अभी सब तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में सब लोग बैठेंगे डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए, सारे डिशेस को चखने के लिए, चखने या ठूसने। ये जो हमने सुबह जो मौसम्बी तोड़े थे ना, तो उसका जूस बनाया है। इन फिजू भी पी रही है, फिजू दिखाओ जूस। वाओ, पेट से निकाल लेते ना, अच्छा बना, अच्छा है। तो ये तीर्थ के जैसे ना, थोड़ा थोड़ा मिला है सबको क्योंकि बहुत कम निकला था, हाथ से निकाला था उसको। चीयर्स। ओके, और ये भैया की फेवरेट दाल है जो हरी दाल बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ये ग्रीन कलर में हो जाती है। खूब सारा धनिया करी पत्ता वगैरह डाल के, ये देखिए, ये हरी दाल है, नीचे दाल है, मतलब मिक्स करके डालने के बाद ना बहुत यम्मी लगती है। गरम खाना, घी और ये रहा तो भैया का खाना डन है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। फेवरेट ये है पान का पत्ता, बीटल नट जो खाते है ना हम लोग, वो है ये। ये देखो, हर पेड़ पे ये लगा हुआ है ऑलमोस्ट, वहाँ है, वहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, जो हमने ये ऑलमोस्ट तोड़ तोड़ के, कल रात को भी हमने इसका ही खाया। और मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है उनके बगीचे के बारे में। इन्होंने सांप देखा था, हाँ एग्जैक्टली यहाँ, और वहाँ आप देख सकते हो सांप का घर है वो, है ना, उसको कंधा में हुत बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने सांप देखा था, वो ऐसे क्रॉस होके गया। बहुत सारे सांप देखे हैं इन्होंने वैसे भी। और इनका ये सुपारी का बगीचा है जो मैंने बोला बीटल नट्स का है ना, तो वहाँ ऊपर बीटल नट्स हुए हैं, मैं आपको सामने से उसका व्यू दिखाऊंगी। वहाँ पे सुपारी हुई भी है, वो देखिए जो गुच्छे में दिख रही है ना, बंच में, वो सारा सुपारी है। तो ये सुपारी ये लोग दे देते हैं ना। हाँ, दे देते हैं, जो डीलर्स होते हैं ना सुपारी के, वो डीलर, वो आकर जाके बॉईल करके, हाँ, उसका सुपारी जो हम खाने वाला, खाने लायक सुपारी बनाते हैं। तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। अरे हाँ। सुपारी के ये रहते हुए भी हम बाहर से खरीद लाते क्यों? क्योंकि ये हम नहीं बना सकते ना निकाल के। हाँ, सब वो प्रोसेस करके। इनके घर में बहुत सुपारी खाई जाती है, हर जगह आपको सुपारी की बोतल दिखेगी। लेकिन वो कोई भी हमारे बगीचे के, हाँ, सब बाहर का पैसे देके लाया हुआ है। कुछ वहाँ लेक भी है उस साइड में, अगर देखोगे वहाँ पे लेक है और वहाँ पे फिशिंग भी होती है। फिशिंग होती है ऐसा? हाँ, नहीं होती है, होती है। वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कैमरा पे, मगर यही लेक है पीछे, और पीछे मैंगो के ये भी है। हाँ, मैंगो का बगीचा मैं आपको बोल रही थी ना, है कहीं पे, तो उधर है मैंगो का बगीचा। हमको मैंगोज भी आते हैं यहाँ से, बहुत सारे आए थे इस साल भी और मैंने खूब खाए थे छोटू। तो अभी यहाँ पे शाम की चाय बन रही है एंड उसके साथ ही साथ उन्होंने ये चुरपफ राइस बनाया, जो कि चुरमोरे बोलते हैं, एंड ये बनाया है लक्ष्मी अक्का ने, बहुत अच्छा। चलो मारती रही। वो हंसने के चक्कर में चाय उबल रही थी अभी। ये बहुत बढ़िया एंड क्रिस्पी बना है। मुझे क्या मिल गई? बिल्ली। वैसे मुझे बिल्ली और कैट से, बिल्ली और कैट एक ही होता है, डॉग्स और बिल्लियों से बहुत प्यारे। ये देखिए, कैट मिल गई मुझे यहाँ पे। ये रोज़ आती है क्योंकि इसको ये नॉन वेज खाना डालते हैं, तो ये यहीं पे रहती है। और ये फिजू की फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है कैट्स, है ना। पहले मेरे नानी के घर में 10-11 कैट्स थे, मगर अब है ना एक भी नहीं है। तो मुझे डॉग्स ज़्यादा पसंद है, मगर कैट्स भी काफ़ी पसंद है। और चली गई। हाँ दोस्तों, अब हम बहुत एडवेंचरस राइड पे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं पिकॉक को देखने के लिए, क्योंकि भैया बोल रहा है कि यहाँ पे पिकॉक ऑलमोस्ट शाम तक दिख जाते हैं। अब बजे हैं शाम के 5 एंड ये देखिए कितने लोग हैं हम। देखिए, मैं, छोटू, फिजू आगे और भैया चला रहा है, और हम स्प्लेंडर बाइक पे जा रहे हैं।
बड़ा मजा आ रहा है इतने दिनों बाद बेटे कितने लोग चलो चार लोग थ्री एंड हाफ हाँ आधा टिकट है फिजू का ये देखिए दोनों तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि पिकॉक के दर्शन होते हैं कि नहीं ब्रो हाय बोलो हाय चार लोग यहाँ देखो कुछ हाँ इस गांव का ना हॉस्पिटल है प्राइमरी हॉस्पिटल ये जो आप देख रहे हो ना ये मेरी भाभी का स्कूल है और यहाँ पे उसका नाम भी है अच्छा क्योंकि वो टॉपर थी स्कूल में तो उसका नाम भी है दम रस्टिक गांव की स्टाइल का सो हम यहाँ ऐसे धीरे से जा रहे हैं ढूंढते हुए हमको उस साइड से आवाज आई है पिकॉक की तो हम यहीं पे कहीं हो सकता है हम सोच रहे हैं स्पॉटिंग हो जाए तो मजा आ जाएगा मगर उसकी बस आवाज आ रही है ओ ओ ऐसे आवाज कर रहा है वो मगर पिकॉक दिख नहीं रहा है मगर उसे पुकारा अभी कॉलिंग हुई है कॉलिंग अगर मेरा लक अच्छा हुआ तो दिख जाए मगर अगर मेरा हार्ड लक हुआ तो नहीं दिखेगा लेट्स सी होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड दोनों साइड देख रहे हैं हम बट देखते हैं कि कहाँ दिखेगा ये कहाँ गया फिर गायब क्या देख देखिए नहीं मैं ऑन रखी थी ऑन दो सोच तो ऑन शिट भागा अभी वहां पे एक पिकॉक दिखा मुझे जब तक मैंने ऑनिंग शुरू किया रिकॉर्डिंग ऑन वो भाग गया अंदर शिट यार कैसे जाऊं तो मैं भी धीरे से यहां से जा रही हूं ताकि वो दिख जाए देखिए देखते हैं वो यहाँ पे था कहीं पे अभी जस्ट चला गया कि अंदर पेड़ों में एकदम फटाक से गायब हो गया वो ये देखिए हमने कुछ डिस्कवर किया तपोवना एंड यहाँ पे वाइल्ड क्लब्स एंड रिजॉर्ट्स हैं तो अंदर है कभी गए नहीं है अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से भी और ये देखिए एकदम फ्रेश वाले ये लोग बनानास निकाल के लाए हैं और यहाँ पे लोगों को बेचते रहते हैं ऐसे वेरी नाइस अभी हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं ओए फिजू कहाँ जाके आई तू बता कहाँ जाके आई हम चल बंद करेंगे बंद करो ओए कहाँ सो दोस्तों अभी मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ वापस जाने के लिए तो मैंने बस नॉर्मल सा ड्रेस पहन लिया एंड मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ फिर से आपको कीड़ों की आवाज़ सुनाई देगी एंड मैं अपना एडिटिंग का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो एडिट करके रेंडर करके अपलोड करके रखना है ताकि वो अपने आप बाद में अपलोड हो जाएगा सो अभी एक घंटा रहेंगे हम अभी बजे हैं 7:30 सो 8:30 तक हम निकल जाएंगे खाना खाकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती थी कि हम पीकॉक देखने गए थे ना वहाँ पे तो वहाँ क्या हुआ पहले एक बार ही ना छोटू ने एक पीकॉक देखा तो जब तक मैं कैमरा को घुमाकर ऑन का बटन दबाती ना वो पीकॉक गायब हो गया जंगल में और मेरी भाभी और मेरे भैया ने बोला था कि पीकॉक्स जल्दी से गायब हो जाते हैं इतने इजीली दिखते नहीं हैं आंखों को जैसे ही आप उनको देखोगे ना वो भाग जाते हैं डर के तो ये हुआ फर्स्ट इंस्टेंस तो और हम अंदर गए जंगल में और आगे गए उसके बाद हमको नहीं दिखा पिकॉक तो हमने सोचा कि चलो अबाउट टर्न लेके घर चलते हैं तो हम टर्न मारकर घर आ रहे थे वापस तो फिर से छोटू को वही पिकॉक दिखा वो उधर से ना और एक थोड़ा डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह आया था तो पिकॉक उसको फिर से दिखा उसने फटाक एंड इस टाइम मैंने कैमरा को ऑन रखा था एंड जब तक मैं कैमरा को मेरे हाथ से सीधे करती ना उतने में वो पिकॉक गायब हो गया मतलब मेरी आंखों को दिखा मगर मेरे कैमरा को नहीं दिख पाया मैं उसको व्लॉग में नहीं ले पाई तो सिर्फ एक पिकॉक दिखा अगर आप बहुत दिन रहते हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर इधर उधर खेत वगैरह में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं मगर हम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे मगर मैंने पिकॉक की जो आवाज़ है ना जस्ट घर के ऑपोजिट वाले खेत में सुनी मैंने आई थिंक दो बार मैंने वो आवाज़ सुनी मगर दो बार मैं उसको स्पॉट नहीं कर पाई मगर उसकी आवाज़ आई जा रही थी तो मतलब पिकॉक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे दिखेंगे एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे डियर बहुत आते हैं जो बड़े सिंग वाले ना 12 सिंगा बोलते हैं जिसको तो वो वाले डियर यहाँ पे बहुत आते हैं एंड ये तो पता ही है बहुत सारे हैं शाम को उसका नाम लेने में भी डरती हूँ मैं और हाथियाँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे 2-3 हाथियाँ इनके पीछे खेत के पीछे जो पानी है ना वहाँ से जा चुकी हैं एंड ऑल्सो रैबिट्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसी जगह रह कर ही देखने मिलती है मगर मुझे
मुझे पिकॉक दिखा, आप लोगों को नहीं दिखा पाई, सो वही एक बहुत बुरी बात हुई, मगर कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम और भी आएंगे, फिर से तब रहेंगे तब दिखाऊंगी आपको। यस, यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड इसके बाद आने वाला है बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग, बहुत ही अच्छा सा व्लॉग जो हम कभी किए नहीं हैं, वो करने वाले हैं जाकर वहाँ पे। सो आपको मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, टिल देन आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू अगेन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।